हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग सो so, um, मतलब देखो कुछ दिन पहले है ना हमने मून के वॉबल की बात करी थी कि जिस तरीके से मून का वॉबलिंग होगा मतलब वो अपने यू नो लाइक डगमगाएगा सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया था तो उसकी वजह से लगभग 2030 के मिड में काफ़ी काफ़ी सीवियर फ्लड आ सकते हैं क्योंकि सी लेवल राइज और प्लस वॉबलिंग ये सारी चीजें मिक्स होगी तो दो तीन महीने तक कंटिन्यूसली काफ़ी फ्लडिंग आएगी नाउ दैट इज अ पॉइंट व्हिच ज लाइक इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एस्ट्रोनोमिकल चेंज ऑल्सो लेकिन वो तो एक बहुत ही डिफरेंट सिनारियो हो गया है इन जनरल अभी आप देखो जैसे बहुत सारे आपको अभी हमने पढ़ा था फ्लैश फ्लड एंड क्लाउड ब्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था यूरोप के अंदर इतना सीवियर फ्लड आया है राइट एंड रिसेंटली वैष्णो देवी के अंदर इतना सीवर फ्लड आया है बहुत सारी जगह पे लैंड स्लाइड हो रहा है तो अभी तो क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे क्या है कि रेनी सीजन चल रहा है इफ़ यू गो इन टू दी समर सीजन एक्सट्रीम हीट वेव्स कैनेडा के अंदर फिफ डिग्री सेल्सियस कैनेडा के अंदर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस दीज आर द्लेसेस जहां पर टेम्परेचर जनरली थर्टी डिग्री सेल्सियस भी नहीं जाता है ठीक है दे हैव लाइक कोल्ड समर दीज आर द एरियाज ऑफ द टेम्परेट रीजन जहां पर सोलर इंसुलेशन इतना हाई नहीं होता है सो एज पर लॉजिक एंड एज पर साइंस जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे एक्सट्रीम एक्सट्रीम टेम्परेचर जा रहा है सिमिलरली यू विल फाइंड की साइक्लोन्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं जैसे हमने पहले बात करी थी अगर आप कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर देखते हो देन यू नो कि हमने बात करी थी कि, कि किस तरीके से अरेबियन सी है वहाँ पे एक्सट्रीम साइक्लोन्स आ रहे हैं एंड दीज आर इवन मोर डेंजरस देन वी वी हैव सी इन टू बे ऑफ बंगाल हैल्सो सिमिलरली हरीके बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हैं तो एक्सट्रीम वेदर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एंड इफ आई से कि क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है तो एक चीज़ तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड क्लाइमेट चेंज मतलब इसको मैं हमेशा क्लाइमेट चेंज को इस तरीके से देखने की कोशिश करती हूँ कि हम बहुत ही एक माइन्यूट स्पेकल हैं इन टू द होल यूनिवर्स एंड इन टू द साइकिल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ आल्सो अर्थ हमसे पहले भी थी और अर्थ हमारे बाद में भी रहेगी क्लाइमेट चेंज हमसे पहले भी था और क्लाइमेट चेंज हमारे बाद में भी रहेगा ठीक है तो देर आर डिफरेंट साइकिल्स विच गो ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन उस कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन के साइकिल के अंदर वी ह्यूमन्स आर समवेयर हियर हमने ये वाला जो फेज है इसको एक्सीट करवा दिया इसको जंप इन करवा दिया क्लाइमेट चेंज इवेंचुअली होता इससे पहले भी हुआ है ठीक है नेचुरल रीजन भी हैं बट वी ह्यूमन इंटेंसिफाइड इट और इसका इंटेंसिफिकेशन चलो पूरे अर्थ के अगर हम जियोलॉजिकल टाइम पे देखेंगे तो शायद उसको लगेगा कि अच्छा उसका एक सेकंड से दस सेकंड पे जंप इन हो गया है ठीक है हो सकता है कि क्योंकि वे इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन पूरी अर्थ के इवोल्यूशन के अंदर लेकिन हमारे लिए वो बहुत लंबा ड्यूरेशन है फॉर अस फॉर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन दिस क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एक्सट्रीम वेदर इज मार्किंग ए क्वेश्चन ऑन आवर सर्वाइवेबिलिटी इज मार्किंग ए क्वेश्चन ऑन आवर स्मार्टनेस इन इंटेलिजेंस ऑल्सो कि हम किस कितने वनरेबल हैं इन सारी चीज़ों के लिए तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू राइटिंग फॉर एनी एग्जाम कि अगर आप ऐसे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो अगर आप यूपीएससी के लिए पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर रहे हो तो फॉर द मेन्स एंड फॉर दी द एल्सो एंड अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टे हियर विद मी फॉर द नेक्स्ट इन फिफ्टीन मिनट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि क्लाइमेट चेंज का एक्सट्रीम वेदर पे क्या इंपैक्ट है मेरा नाम संतोष है एंड लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन बिफोर बिफोर वी स्टार्ट टू द टॉपिक आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग सो दिस इज कार्बन ब्रीफ डॉट ओ आर जी का एक वेबसाइट है यहाँ पे जब आप जाओगे देन यू कैन सी की ये एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर जो है क्लाइमेट में किस तरीके से चेंज हो रहा है नाउ आई एम जस्ट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डी एवरीथिंग ठीक है इसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं ओके okay. ठीक है तो वेन यू गो एंड वेन यू सेलेक्ट इट ऑल तो आपको दिखेगा कि ये जो रेड ब्लू एंड ये जो ग्रे दिख रहा है ये डिफरेंट है कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस फाउंड नो ह्यूमन इन्फ्लुएंस फाउंड तो हम सिर्फ ह्यूमन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं नो ह्यूमन को हटा देते हैं ठीक है तो जैसे ही हमने नो ह्यूमन इन्फ्लुएंस को हटाया एंड को भी हटा देते यू सी कि मोस्ट ऑफ ऑफ रेड आर इनकल रेनफॉल कोल्ड स्नो आइस कोरल ब्लीचिंग ठीक है जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास देखो ठीक है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास हमको दिखेगा कि दिस इज सीवियर कोरल ब्लीचिंग ज्यादा जूम इन कर दिया मैंने ओके सी तस्मानिया सी के अंदर मरीन हीट वेव था ठीक है ओके

देन वी हैव हिमालय नो स्ट्रोन सो इस तरीके से यू कैन सी लॉट ऑफर क्लाइमेट चेंज तो इसमें ना आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ है जैसे आप आर्कटिक में जाओ ठीक है आर्कटिक के अंदर यू विल सी दर देर हैज लॉट ऑफ केसेज ऑफ द आइस मेल्ट डिक्लाइन ऑफ द आइस इन नाइनटीन थ्री टू टू थाउजेंड टे देखो होता है इवेंचुअली होता आर्टिक्स सी मेल्ट होता हो सकता है कि आगे आने वाले पीरियड भी ग्लेसिएशन भी होगा बट द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस ठीक है आज से 10 साल 10 मिलियन साल बाद की बात नहीं कर रहे हैं हम हम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एंड लाइक शॉर्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो तो उसके अंदर इट इज हैविंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट तो अभी क्या हुआ है कि इसके वजह से डबल हिट हुई है एक तो चल चली रही है एंड ऑल्सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फ्लड इन यूरोप हो गया है एक्सट्रीम इवेंट्स इन इंडिया ऑल्सो हैपनिंग अ लॉट ऑफ केसेज ऑफ लैंड स्लाइड फ्लड क्लाउड ब्रस्ट आर कमिंग फ्रॉम द हिमालयन स्टेट एंड इट इज़ बींग सेड कि यह सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्यूल हुआ है डब्ल्यू एम ओ के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर तलाश ने बोला है कि जो राइजिंग टेम्परेचर हैं उनका इम्पैक्ट फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनका इम्पैक्ट आज सिर्फ दिख सकता है कि बारिश ज़्यादा हो रही है स्नोफॉल ज़्यादा हो, हो रहा है हीट वेव ज़्यादा हो रहा है दीज आर एटमोस्फेरिक कंडीशन विच आर चेंजिंग लेकिन इन एटमोसफेयरिक कंडीशन की वजह से फूड सिक्योरिटी पे हेल्थ पे इकोनमी पे इन्वायरमेंट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ह्यूमन के इवोल्यूशन पे इवन फ्लोराइन फोना पे इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आज प्लस इन द फ्यूचर हंड्रेड ईयर्स ऑल्सो दिस इज़ वेरी डेंजरस सो so, ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है जिसकी वजह से आइस कंटिन्यूसली मेल्ट हो रही है आर्कटिक सी में वो एरिया जो रिसर्चर ने बोला था कि आने वाले 50 सालों में शायद ये इंटैक्ट रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा दैट एरिया हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग सी लेवल कंटिन्यूसली राइज हो रहा है बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स ऐसे हैं जो सी लेवल राइज की वजह से फ्लडेड होने लग गए हैं कंप्लीटली डूबने लग गए हैं हीट वेव यूरोप एंड कैनेडा टेम्परेट एरियाज के अंदर जहाँ पे हीट वेव का कॉन्सेप्ट शिफ्ट नहीं होता है वहां पे हीट वेव देखने को मिल रही है एंड अदर एक्सट्रीम इवेंट्स आर हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर एवरी मंथ 2021 पर्टिकुलरली एन ईयर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रहा है यहाँ पे अनप्रीसिडेंट हीट वेव कनाडा के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जर्मनी बेल्जियम के अंदर फ्लड जिसने मोर देन 180 पीपल को की डेथ कर दी है साइक्लोन ताउते एंड यास जिसने इंडिया के वेस्टर्न ईस्ट कोस्ट को को हिट करा है तावते के बारे में हमने कितना अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि और हमने ये भी देखा था कि ताओते कितना डेंजरसली ग्रो करा था कितना फास्ट इसका डेवलपमेंट हुआ था न्यू साउथ वेल्स के अंदर फ्लड कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ जो ऐसे एक्सट्रीम वेदर है अच्छा एक्सट्रीम वेदर किसको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर वो होता है देखो हर एक वेदर की ना लिमिट होती है जैसे हम लोग जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन है मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक्सट्रीम वेदर समझ आए इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन का आर ने क्या लिमिट सेट करा है फोर प्लस माइनस टू तो इसका लिमिट क्या हुआ कि भाई टू टू सिक्स परसेंट तो ये अगर सिक्स परसेंट पे पहुँच जाता है तो वी कॉल इट कि इट हैज बिकम एक्सट्रीम दिस इज द एक्सट्रीम लिमिट ठीक है तो ये एक्सट्रीम होता है तो ऐसे सिमिलरली जो वेदर कंडीशन भी होती हैं हम बोलते हैं कि अच्छा पचास से सौ सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए तो अगर सौ सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा हो रही है तो वो एक्सट्रीम है या फिर अगर बारिश हो ही नहीं रही है ट्वेंटी सेंटीमीटर हो रही है तो वो एक्सट्रीम है ठीक है तो एक्सट्रीम इसको बोलते एक्सट्रीम इवेंट तो देखो नेचुरल इवेंट होता ही है लेकिन उसके अंदर ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है उसने उसको बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ह्यूमन कर रहा है एंड इट हैज़ मेड दिस हीट वेव ड्रॉट एंड एंड स्ट्रॉन्ग सर्जेज इवन मोर बिगर एंड पावरफुल हीट वेव जैसे कैनेडा एंड यूएस के अंदर आई थी इट वॉज लॉन्ग स्टैंडिंग शट्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड ये इट सेटलिंग अबाउट फोर्टी डिग्री सेल्सियस फोर डेज एंड इट रीच्ड टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इवन कैनेडा एंड इन सम स्टेट्स ऑफ द यू एस ऑल्सो पोर्टलैंड के अंदर वॉर्मेस्ट टेम्परेचर फाइव पॉइंट सिक्स डिग्री हायर देन द मैक्सिम इन देन द डेली मैक्सिमम इन द जून सो ऐसे एरियाज़ विच इज़ नॉन फॉर इट्स रेनी वेदर थोड़ा बहुत सनशाइन होगा कोल्ड समर होगा वहाँ पे अगर 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है एंड देर आर पीपल जैसे कि पहले मैं बेंगलोर की बात बता रही हूँ आपको इफ़ यू इफ यू आर इन बेंगलोर और अगर आप बेंगलोर में किसी रहने वाले से बात करो तो टेल तो यू कि आज से दस साल पहले पाँच साल पहले तक कभी बेंगलोर में एसी का जरूरत नहीं पड़ता था लेकिन आज ऐसा है कि आप एसी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हो एसी सी हो गया कूलर हो गया फैन हो गया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो कैटोस्ट्राफ्स हो रहे हैं ये हिस्टोरिक स्केल के हो रहे हैं यहाँ पे जैसे एरिया ऑफ राइनलैंड है या नॉर्थ राइनलैंड है यहाँ पर जो बारिश हुई है अभी रिसेंटली पिछले अभी तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम हो गया है इसमें अभी इट्स इट्स स्टिल रिकवरिंग तो यहाँ पर जो बारिश हुई है दो दिन में इतनी बारिश हुई है जितनी कि दो महीने में होनी चाहिए थी तो क्यों इतने अनयूजल हैं जैसे कि नाउ नॉर्थ साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे रेनफॉल ने पूरे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए वर्स्ट फ्लड देखा है सिंस 1929 तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इन सारे एग्जांपल्स को आप कोट कर सकते हो जब भी आप ए के अंदर या आंसर राइटिंग या जी के अंदर आंसर लिखते हो देन यू कैन डेफिनेटली राइट कि फ्लड केम ऑन द हील ऑफ द अदर एक्सट्रीम इवेंट ऑल्सो जिसमें ड्रॉट हो गया एक्सट्रीम हीट वेव हो गया ब्लैक समर बुश फायर हो गया ऑस्ट्रेलिया के फायर कैलिफोर्निया के अंदर जो वाइल्ड फायर जो फॉरेस्ट फायर होते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट इज हैपनिंग इट इज बिकम लाइक ए जीरो ग्राउंड एंड हीट वेव्स ऑल्सो तो एग्जाम्पल में जैसे हीट एंड ड्रॉट का एक एग्जाम्पल ले लो इट हैज़ डेंजरस इफेक्ट ऑफ द हीट वेव ठीक है मतलब आपको जैसे जैसे राजस्थान के अंदर बोलते हैं कि लू लग जाएगी आप इतनी हीट वेव में मत निकलो बाहर मत निकलो लू लग जाएगी तो लू इट्स इट वट हैपन्स की इट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा ठीक है वाटर बॉडीज से जितना ज्यादा और उतना ही क्या होगा सोइल मॉइस्चर से भी तो इवोपरेशन हो रहा है तो ये जो सोइल मॉइस्चर है ये कम हो जाता है और जो हम एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलते हैं वो आ जाता है देन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लड्स ऑल्सो ज्यादा इवोपरेशन से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर रहेगा और जैसे ही वो हायर लेवल पे जाएगा लेट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगा यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे और ये क्लाउड्स रेनफॉल करेंगे तो जितनी ज्यादा हीट उतनी ज्यादा रेनफॉल वाला एक कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा सिंपल है जैसे कि हरिकेन के एंड हार्वे आया था इट वॉज फिफ्टीन फिफ्टीन परसेंट मोर इंटेंस थ्री टाइम्स टू लाइकली अकर देन द ह्यूमन मिक्ट क्लाइमेट चेंज कैटेगरी फोर एंड फाइव स्ट्रोम तो ऐसा हो गया जैसे नॉर्मल बातचीत हो गई आजकल की हाँ इतना तो आता ही अब तो रेडी रहो इतनी सारी चीजों के लिए सी लेवल राइज 1900 1900 से बहुत ज्यादा हो गया है और सी लेवल के काफी सारे रीजंस हैं एक तो देखो कि जो आइस मेल्ट हो रही है ठीक है आइस मेल्ट का पानी जो है वो सीधा का सीधा सी में जा रहा है चाहे वो आर्कटिक हो चाहे अंटार्टिका हो एंड सेकेंड हिमालयन जो ग्लेशियर्स हो गए हैं वो भी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं इसकी वजह से द वॉल्यूम ऑफ गंगा रिवर है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज तो जितना ज्यादा पानी बहेगा उतना ज़्यादा पानी इवेंशअली बेऑफ बंगाल के अंदर भी जाएगा तो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिमिलरली बाकी सारी कंट्रीज जो है वहां से भी सिमिलर टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज एक्सपेंशन ऑफ द वाटर कि पानी जब हीटअप होगा तो वह एक्सपेंड होगा उस एक्सपेंशन की वजह से सी लेवल राइज जो है वो इवन ज़्यादा होता है ठीक है तो ये कुछ रीजंस हैं स्नो एंड फ्रिजिड वेदर भी बहुत ज्यादा हो गया रिकॉर्ड स्नोफॉल हो रहा है आपको ये लग सकता है कि स्नोफॉल तो क्या स्नोफॉल इज अ गुड थिंग नहीं बट स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर स्टॉम आर लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज क्योंकि वही बात है कि जब ज्यादा जितना ज्यादा समर के अंदर या जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे जितना ज़्यादा सोलर इंसोलेशन होगा जितनी ज़्यादा गर्मी सोलर इंसोलेशन तो उतना ही है इंक्रीज़ नहीं हुआ है लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो गई है कॉन्सनट्रेशन जिसकी वजह से एटमोस्फियर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से ये कंटिन्यूसली हीटेड रहता है एवोब्रेशन ज्यादा होगा ज़्यादा एवोब्रेशन जब एटमोस्फियरिक सर्कुलेशन के साथ मूव करेगा इट विल रीच टू दी कोल्डर प्लेसेज जब ये पहुंचेगा बिलो फ्रीजिंग लेवल पे स्नो फॉल होगा उतना ही ज्यादा क्योंकि जो भी मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो तो इवेंचुअली फॉल होगा ना चाहे वो रेनफॉल के अंदर हो चाहे वो स्नोफॉल के अंदर हो इट विल फॉल और ये एक ये बात भी बोली जा रही है कि जो आर्कटिक की सी है आर्कटिक आइस नॉट सी आर्कटिक आइस जो है वो जितनी मेल्ट हो रही है उतनी जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी हमारी कंटिन्यूसली वीक होती जा रही हैं तो क्या हम बोलेंगे कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है देखो ऑन एन एवरेज दिस इज प्रूव्ड कि हाँ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज चेंज हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर के चेंज होने के साथ में ही जितनी भी क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं उन पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं हमारे क्लाइमेट uh, की ना तो हम दो चीजों को हमेशा मेंशन करते हैं कि टेम्परेचर क्या है और प्रिपिटेशन क्या है दिस इज पी ऑफ ए फॉर रेनफॉल कितना है तो इसी के अंदर यही है कि एक्सट्रीम वेदर वेदर आप कोई भी उठा लो आपको उसमें दो चीजें हमेशा मिलेगी एक तो प्रिपिटेशन एंड टेम्परेचर आप एक्सट्रीम रेनफॉल ले लो आप हीट वेव ले लो आप ड्रॉट ले लो आप वाइल्ड फायर ले लो टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा होगा या टेम्परेचर फ्रिजिड होगा एंड इट हैज डेफिनेटली बीकेम मोर इंटेंस बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज

ऑलरेडी जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली नेचुरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो हायर हो गया था तो हालांकि एग्जैक्टली exactly अगर मैं बोल दूँगी हाँ सिर्फ क्लाइमेट चेंज ह्यूमन की वजह से हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक्सट्रीम वेदर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो भी पूरा गलत हो जाएगा कि हम कंप्लीटली पुटिंग अ ब्लेम ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो लेकिन जिस तरीके से जितनी फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग ये सारी चीज़ें हो रही है दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद द वार्मिंग क्लाइमेट मतलब जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है वैसे वैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी राइज इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं तो हियर वी फाइंड अ लिंक कि हाँ इसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है एनओ ए एकम क्लाइमेट एक्सट्रीम इंडेक्स के, uh, के हिसाब से यहाँ पे ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है साउथ वेस्ट के अंदर जहां पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देखने को मिला है एंड मोर एवर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट साइंस स्पेशल रिपोर्ट द्लाइमेट ये ऐसी दो तीन रिपोर्ट्स होती है ना उनके नाम याद रखा करो जैसे आई हो गया एंड ओ ए की क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इंडेक्स हो गई क्लाइमेट साइंस स्पेशल रिपोर्ट हो गई इनके थोड़े से नाम याद रखा करो इससे क्या होता है कि एक तो जब आप लिखते हो आंसर तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है कि हाँ फैक्ट है जैसे मैं आपको एक ऐसी बात बोल कि सी लेवल राइज हो रहा है तो और एक दूसरा मैं बोलूँ कि आई के हिसाब से सिक्स सेंटीमीटर या सिक्स राइज होगा तो द सेकंड पॉइंट आई सेड इट फील्स मोर हैवी कि हाँ ये रिपोर्ट में बोला है और रिपोर्ट जो है बड़ी वेल well रिसर्च होती है सो व्हेन यू पुट रिपोर्ट्स इनटू योर आंसर ऐसे ना इट ऑलवेज हैव मोर वेटेज देन जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट तो दो चार रिपोर्ट्स हमेशा एक ए फोर शीट में लिख के उनको बार बार रिपीट करके याद करते रहा करो तो इज द क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल यस द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर विच इज मेकिंग हेवी रेनफॉल विच इज मेकिंग हीट वेव विच इज मेकिंग द ड्रॉट विच इज मेकिंग द फॉरेस्ट फायर यस डेफिनेटली डेफिनेटली यस क्योंकि जितनी ज्यादा हवा गर्म होगी उतना ज्यादा ये मॉइस्चर कैरी करके लेके जाएगी एंड इवेंचुअली दैट मॉइस्चर विल फॉल एज अ वॉटर ठीक है रेनफॉल या स्नोफॉल होगा सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि टेम्परेचर जो अर्थ के पोल पे है वो राइज हो रहा है इट इज राइजिंग टू थ्री टाइम्स द टेम्परेचर इक्वेटर दैट इज द पॉइंट वी आर विचर कंसर्न अबाउट क्योंकि जो हमारी आइस कैप्स हैं जो पोलर आइस कैप है साउथ कैप या फिर हमारे जो नॉर्थ कैप है ये टेम्परेचर को मेनटेन करके रखती है ये आइस कैप्स अगर मेल्ट हो गई तो पूरा एटमोसफियर एक सर्क्यूलेशन गड़बड़ा जाएगा क्योंकि ये पोलर आइस कैप यहाँ पे परमानेंट हाई प्रेशर एरिया बना के रखती है जिसकी वजह से हमारी जेट स्ट्रीम्स अच्छे से चलती हैं अब हम एक मैं बात भी करेंगे जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वो अच्छे से चलता है जिसकी वजह से हमारा ओशनिक सर्कुलेशन जो है वो अच्छी की तरह से अच्छी तरीके से चलता है इसकी वजह से हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन हीट बजट एवरीथिंग एवरीथिंग इज वेल वेल बैलेंस्ड अगर ये गड़बड़ा गया तो जो बैलेंस ऑफ नेचर है दैट विल आल्सो बी गॉन ठीक है तो uh, मोटा मोटा यही था कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉसिबल जैसे कि इंडियन ओशन है इट इज हीटिंग इट अ वेरी वेरी फास्ट अपन टू द दिक एंड अटलांटिक द रीजन इज की इंडियन ओशन जो है ना ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है ठीक है चाहे वो अफ्रीका ले लो चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ले लो या इंडिया ले लो तीनों तरफ से इसमें ये लैंड साइड से घिरा हुआ है और जमीन जो है इसका ये हीट इट इज प्रोवाइडिंग द हीट ठीक है कंटिन्यूसली ये हीटेड के इसमें uh, में है सो इट इज बींग हीटेड अप मच मोर फास्टर देन द पेसिफिक एन एटलांटिक एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दट वाई अरेबियन सी पिछले चार साल से कंटिन्यूसली एवरी ईयर अरेबियन सी के अंदर इनक्रीज फ्रीक्वेंसी इन इंटेंसिटी के साइक्लोस आ रहे हैं पिछले सालों में लाइक like, लॉजिकली अगर जैसे भी हम पहले पढ़ते थे तो बात करते थे कि अरेबियन सी में साइक्लोस बहुत कम आते हैं बहुत कम ऐसे ही बोलते थे हम बट नाव एड एस वी आर सींग कंटिन्यूअसली अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन्स आ रहे हैं सो यस यस

तो येस वी शुड डेफिनेटली बी कंसर्न अबाउट सो दिस इज़ इट मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पर यू कैन डेफिनेटली फाइंड मी एंड यू कैन से हेलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन अबाउट यू पी एस सी ऑल्सो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे आई वुड भी हैप्पी टू आंसर यूर क्वेरीज एंड दिस इज इट दिस इज इट ऑल्सो आई वॉन्ट टू सेट मेक यूर कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है मतलब ओशियन के अंदर एक ड्रॉप वाली बात हो जाएगी लेकिन बूंद बूंद से गढ़ा भरता है ठीक है um, So, whatever you can do to to uh, stop the climate, we cannot stop the climate change. But whatever you can do to minimize the impact, whatever you can do to hold it a little longer, so that our future generations can also see what we are seeing and what our parents have seen, unke li completely so that they can also enjoy the nature, they can also enjoy the ice, they can enjoy the clean rivers, and uh,